और ये सुनील वाला का दूसरा गोल और बहुत अभी से मौका बनाते हुए रुक रुक टीम होता है तेज और रोहित के पास बॉल लगातार प्रयास कर रही है रुक रुक टीम और बॉल घनश्याम के पास और ये रेफरी हैं श्री जसविंदर सिंह जी और ये बॉल भी मतलब और ये अच्छा गोल भी मतलब के द्वारा पहला गोल दागा। हेलो जितने भी कमेटी लड़के हैं अपना अपना जगह में चल जाएंगे और जजमेंट के लिए जिसको बोला गया है वो अपना जगह में चल जाएंगे और एक विशेष निर्देश है कि हमारे ऑडियंस जनता अनावश्यक ग्राउंड के अंदर बैठ करके इधर उधर ना हो आप अपने स्थान में बैठे और ये देखिए हमारे प्लेयरों के द्वारा अभिवादन आप सभी जनताओं का सभी जनताओं का हमारे संपूर्ण को इसमें भी मनोरंजन कर दिया करूंगा दोस्तों आज कुछ अलग होगा पहला मैच जो खिलवा रहे हैं निर्णायक महोदय वो राष्ट्रीय रेफरी हैं श्री जसविंदर सिंह जी और और ये लगातार प्रयास कर रही है सिली सालम की टीम से साइड से अटैक करते हुए भीम स्टार्ट हो गया है सर और ये बॉल भीम एमराव और ये अच्छा गोल भीम अमरम के द्वारा पहला गोल दागा लुगुब्रु एफसी से भीम एमरम के द्वारा
और ये अच्छा असिस्ट करते हुए सुनील लोहरा, बहुत ही शानदार गोल, पहला मुकाबला और पहला गोल। और ये अच्छा मौका बना था उत्तम टुडू के लिए। और ये फिर से अटैक कर रही है सिलिसान की टीम। आउटपुट थी तो कि तब जिस दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है, हैं? अरे बाप रे, पूरा बिराजे हुए हैं प्यारे बच्चे। ना 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 वापस और रोहित टीका के पास बॉल, अरे अरे अरे, लगातार प्रयास कर रही है डुगुब्रू की टीम। लेकिन उतना ही तेज फिलिप आपके डिफेंस और गोलकीपर के द्वारा अच्छा बचाव। और हम लोग भी सलाह मार रहे थे, जी मार रहे थे, पता नहीं और बोल घनश्याम के पास और ये अच्छा बचाओ सिरसान के गोलकीपर अंकित एका के द्वारा। पीछे बीच में तो इसी को मारा था क्या? ये अपने पूरा और ये ही और ये
अच्छा हेडिंग था वीरेंद्र हेमराम का, वहां पे डिफेंस इतना ही तेज, डुल्लू सोरेन और बहुत ही शानदार तरीके से ट्राई था, मगर गोल पोस्ट में लगकर बॉल रिटर्न हुआ। और इसी के साथ इस ग्राउंड के और डेली फुटबॉल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सब जरूर सब्सक्राइब करें, और उनके कैमरामैन मिस्टर टानी भाई जो कि काफी प्रसिद्ध कैमरामैन हैं, हमारे बगल में हैं अपने कैमरे के साथ, और दोनों ही टीम एकता क्लब भरकुंडवा एवाईसी सतकंडिया आप और ये सुनील लोहरा का दूसरा गोल, और ये लुगुबुरु एफसी गोल बागम के पास, और लगातार प्रयास कर रही है लुगुबुरु की टीम।